फसाद की जड़ से पे खुफिया हाथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पीटीआई क़यादत खून खराबर नहीं मुज़ाकरात चाहती थी मगर खुफिया हाथ सब पर भारी है। पता नहीं इसने पार्टी को कब टेक ओवर करना है। इसके इरादे कुछ और हैं। 2000 तरबियत याफ्ता अफराद हालात खराब कर रहे हैं। अकातारर कहते हैं बुशरा बीबी लाशें गिराने की मनसूबाबंदी कर आई हैं। फ्रंट पर किराए के लोग हैं। इस्लामाबाद में शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाकई में 3 रेंजर्स अहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। चुंगी नंबर 26 पर पथराव से जख्मी रेंजर्स अहलकार सीएमएच रावलपिंडी मुंतकिल। मुजाहरीन के तशद्दुद से जाबहाग पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा मुजफ्फरगढ़ में अदा। एडिशनल IG अरकानी असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में अमन व अमान बहाल रखने के लिए फौज तैनात। शरपसंदों को मौके पर ही गोली मारने के अहकाम जारी। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत बुलाया गया है। बदअमनी फैलाने वालों के साथ आईनी हाथों से निमटने के अहकाम। बुशरा बीबी की कयादत में काफिला डी चौक पहुंच गया। गिरफ्तारियों का फैसला। सिक्योरिटी अहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रास्तों की बंदिश से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सब्जियों और फलों समेत अशियाए फरनोश की रसद रुक गई। कीमतों में दुगना इजाफा। लाहौर रिंग रोड एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब के मुतादिद शहरों में सब्जियों फलों और अजनास का बहरान। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे चौथे रोज भी बंद। खैबर पख्तूनख्वा को सब्जियों और फलों की तरसील रुक गई। सब्जी मंडियों में दाम आसमान पर पहुँच गए। रास्तों की बंदिश के 22 फ्यूल टैंकर्स मुख्तलिफ शाहराहों पर फंस गए। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत संगीन हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर रोजाना की खपत 50 लाख लीटर और पूरे पंजाब की यौमिया खपत 5 करोड़ लीटर से ज्यादा है। हुकूमत पेट्रोल की सप्लाई बहाल कराए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमत की याददाश्त नामों पर दस्तखत। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं माहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। मुस्तकबिल में इश्तराक अमल के लिए दोनों ममालिक संजीदगी से मिल बैठेंगे। बेलारूस के सदर का जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन बढ़ाने पर जोर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सन हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर की फिजाएं आलूदा। सखर 565 AQI के साथ फिजाई आलूदगी में सबसे आगे। आलमी रैंकिंग में लाहौर 398 पर्टिकुलेट मीटर के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। 245 पर्टिकुलेट मीटर के साथ कराची आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची पुलिस ने मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। 60 सुपर हाईवे पुलिस के मुताबिक मुलजमान जिला शर्की और किमाड़ी में असलहे के जोर पर वारदातें करते थे। कराची चिड़ियाघर में 15 साल गुजरने वाली हथनी मधुबाला सिफारी पार्क मुंतकिल। सिफारी पार्क में मौजूद मधुबाला को बहनें सोनिया और मलका भी खुश हो गईं।